हेलो एवरीवन, देखते हैं आज के अर्निंग रिजल्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं टीवीएस मोटर्स की। टीवीएस मोटर्स ने मार्च 21 क्वार्टर में कंसोलिडेटेड सेल्स रेवेन्यूज में 49.39% की बढ़त रिपोर्ट की। डेट इज एट रुपीज 6131.90 क्रोर्स। कंपनी ने तीन की वर्टिकल्स में सॉलिड ग्रोथ देखा, जो कि टू व्हीलर्स, ऑटो कंपोनेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में। डोमेस्टिक मार्केट में टू व्हीलर की सेल्स में 41% की बढ़त देखी गई, जबकि एक्सपोर्ट सेल्स में 74% की बढ़त हुई। पहली बार कंपनी ने टू व्हीलर एक्सपोर्ट्स के लिए 1 लाख यूनिट का माइलस्टोन पार किया। मार्च 21 क्वार्टर में कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 69.04% बढ़कर 618.27 करोड़ रुपए था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में तेज बढ़त इकोनॉमीज ऑफ स्केल से आई है, जबकि रेवेन्यूज 50% तक था। रॉ मटेरियल्स कॉस्ट में तेज बढ़त के बावजूद कॉस्ट केवल 44% थी। मार्च 20 क्वार्टर में ओपीएम 8.91% से बढ़कर मार्च 21 क्वार्टर में 10.08% हो गया। सिक्वेंशियल बेसिस पर ओपीएम मार्जिनली अधिक था। मार्च 21 क्वार्टर के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 318.76% बढ़कर 310.05 करोड़ था। नेट प्रॉफिट मार्जिन में 1.80% से 5.006% तक सुधार हुआ। सिक्वेंशियल बेसिस पर नेट मार्जिन मामूली रूप से अधिक था। दिस मार्क्स द हाईएस्ट एवरी क्वार्टरली प्रॉफिट विच इज रिकॉर्डेड बाय द कंपनी। चलिए देखते हैं बजाज फाइनेंस को लेके। तो बजाज फाइनेंस ने मार्च 21 क्वार्टर के कंसोलिडेटेड सेल्स रेवेन्यूज में -5.20% की गिरावट यानी 6850.62 क्रोर्स रिपोर्ट किया। इंटरेस्ट यील्ड्स कम होने के कारण इंटरेस्ट इनकम कम था। सेल्स ऑफ सर्विसेज एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम में शार्प ग्रोथ दिखाई दी। AUM 1.53 ट्रिलियंस बढ़ गया, लेकिन क्वार्टर के दौरान बुक किए गए न्यू लोन्स मार्च 20 में 6.03 मिलियन के मुकाबले 5.47 मिलियन कम था। मार्च 21 क्वार्टर में कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 42.59% बढ़कर 1823 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। नेट इंटरेस्ट इनकम 4659 करोड़ पर कम था, लेकिन 298 करोड़ इंटरेस्ट राइट बैक द्वारा कंपनसेट किया गया। नेट इंटरेस्ट इनकम के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रेशियो 350 बेसिस पॉइंट्स तक यानी 34.5% था। हालांकि लोअर लोन लॉस प्रोविजन से प्रॉफिट में बड़ी बढ़ोतरी हुई, जो मार्च 20 क्वार्टर के कंपैरिजन में 1954 करोड़ से मार्च 21 क्वार्टर में 1231 करोड़ हो गया। मार्च 20 क्वार्टर में ओपीएम 17.69% से बढ़कर मार्च 21 क्वार्टर में 26.60% था। सिक्वेंशियल बेसिस पर ओपीएम भी अधिक था। मार्च 21 क्वार्टर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 42% ऊपर यानी 1346.64 करोड़ था। ग्रॉस एनपीए में कुछ उछाल था, जो 1.61% से 1.79% तक बढ़ गया था। इसके बावजूद नेट प्रॉफिट मार्जिन्स 13.12% से 19.66% तक ईयर ओवर ईयर बेसिस पर सुधार हुआ। हालांकि सिक्वेंशियल बेसिस पर नेट मार्जिन भी अधिक था। बजाज फाइनेंस ने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फिनेंशियल ईयर 21 के लिए ₹2 फेस वैल्यू के ₹10 पर शेयर के डिविडेंड की सिफारिश की है। चलिए देखते हैं HDFC AMC के रिजल्ट्स। HDFC AMC ने मार्च 21 क्वार्टर के लिए कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज में 21.34% की बढ़त देखी गई, जबकि एक्सपेंस रेशियोज में कमी आई है। लास्ट क्वार्टर में HDFC जैसे बड़े फंड हाउस के AUM में भी तेज सुधार हुआ, जो कि लोअर एक्सपेंस रेशियोज के लिए बना था। However, December 20 क्वार्टर के कंपैरिजन में ओवरऑल रेवेन्यू सिक्वेंशियल बेसिस पर -8.3% से कम था। मार्च 21 क्वार्टर के लिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26.52% बढ़कर 316.08 क्रोर्स ऑन द बैक ऑफ हायर रेवेन्यूज रिजल्टिंग इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फेयर वैल्यू ग्रोथ रेवेन्यूज इस क्वार्टर में पॉजिटिव रहे। एज अ रिजल्ट मार्च 21 क्वार्टर के नेट मार्जिन्स मार्च 20 क्वार्टर के 55.56% से बढ़कर 57.94% हो गया। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो, इसके लिए हमारे 5 पैसा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 5 पैसा में आप आपकी इन्वेस्टमेंट आसान और फायदेमंद बना सकते हो। Thank you.